कभी भी ज्यादा नहीं सोचता हूँ, अभी भी सिंपल है, एक मैच खेलूंगा फिर अगले मैच की तैयारी करता हूँ, बस हर मैच में अच्छा करने का देखता हूँ। ऐसे टीवी पे मैच देखता था तो लगता था कि नहीं अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना अच्छा लगता था, तो ऐसे ही देखते 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 फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि स्टेडियम की तरफ जाने लगा, तो क्योंकि घर मेरा थोड़ा शहर से दूर था तो एक बार अगर चला गया तो फिर शाम को ही लौटता था मैच देख के। ऐसे ही जाते 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 दो चार बार ऐसा गया तो मेरे को अच्छा लगा मैच देखना, फिर ऐसे ही एक बार अकेडमी के लिए गया कि मुझे नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहिए क्रिकेट है। मैं जाके सर से बोला सर मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मेरे को मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सर बोले कि कहाँ रहते हो क्या करते हो, बोला सर मेरा घर यहाँ है थोड़ा दूर है, मैं आता हूँ देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है, बोले ठीक है कल आना सुबह कल बात करते हैं। फिर अगले दिन सुबह मैं गए स्टेडियम, सर मिले सुबह मेरे को, बोले हाँ ठीक है जाओ ज्वाइन करो बच्चों के साथ। फिर वो पहले दिन वो मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि क्रिकेट खेलना है, बट वो देख के जो बच्चे खेलते थे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई क्रिकेट। जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे घर वाले मतलब पापा को तो पता नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्कूल का टाइम था तो स्कूल के टाइम में कभी स्कूल चले गए कभी क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये था कि सुबह का टाइम जो रहता था तो वो सुबह जाता था प्रैक्टिस के लिए, तो स्टेडियम प्रैक्टिस फिर उधर से स्कूल, किसी दिन स्कूल भी नहीं गए, दिन भर प्रैक्टिस करी शाम को घर, तो ऐसा खेलता गया तो एक साल प्रैक्टिस करी, और स्ट्रगल तो बहुत था, दूर से आता था साइकिल से आता था स्टेडियम, फिर स्टेडियम से फिर शाम को फिर वापस लौटना, तो फिर वो एक साल मेरा ऐसा था कि एक साल मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी, एक साल के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट हो गया, तब मेरे को पापा को पता चला मेरे कि हाँ इसने ये क्रिकेट भी खेलता है पढ़ाई के साथ साथ। मम्मा को तो पता था कि मम्मी को मैंने बता दिया था किसी को भी मत बोलना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत कुछ डांटता मतलब यही कि पढ़ाई में ध्यान दिया करो और अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट खेलना, अच्छा नहीं है मतलब सब खेलते हैं तुम मत खेलो, तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, तुम अच्छा कर सकते हो पढ़ाई में, लेकिन ठीक है वो फिर बाद में बोलते कि हाँ नहीं ठीक है चलते तुम्हारा डिसीजन अच्छा था कि तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है तुम्हारा सपना था, तुमने मेरे सपने को पीछे करके अपने सपने को आगे किया, मुझे अच्छा लगा कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। टीम में रणजी की टीम बनी तो मैं उस पर सेलेक्ट हुआ, फिर पहला मैच के लिए मैं हम लोग मदुरई गए खेलने, तो वहाँ पे हमारा पहला मैच था गेस्ट तमिलनाडु, मेरे को एक दिन पहले बताया शाम को कि हाँ तू खेल रहा है मैच, मैं रात को मैं बोला कि सबके सामने वो भी अश्विन मुरली विजय अभिमन्यु मिथुन विजय शंकर सब टीम पैक, मैं पहली बार मैं सामने सबके, मैं रात भर सोचता रहा कि क्या बॉल डालना है क्या, पहले दिन बहुत मेरा नर्वस था कि कैसे पहली बॉल डलेगी, फिर वो धीरे धीरे डालता गया एक बॉल दो बॉल तीन बॉल एक ओवर दो ओवर तीन ओवर, फिर वो पहले मैच का ऐसा था एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद दूसरा मैच हमारा बंगाल से था, फिर उसमें मैं थोड़ा सा खुल चुका था कि हाँ ठीक है अब मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ तो ठीक है, दो विकेट उस पर लिए थे, फिर वो मैच अच्छा रहा, फिर पंजाब के अगेंस्ट मैंने 5 विकेट लिए, तो उस साल ये था कि मतलब ज़्यादा सोच नहीं रहा था, सिर्फ बॉल डाल रहा था, जो मेरे को प्लान मिल रहा था वो प्लान पे मैं बॉलिंग कर रहा था। पहली बार जब नाम आया तो मैं अनसोल्ड हो गया था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 3 साल से तो अनसोल्ड ही हो रहे हैं इस बार भी हो गए, तो करीब 7-1 बजे शाम को नाम आया, मैं बोला नहीं जाएगा कोई नहीं उठाएगा फिर से, तो एकदम से जब आर आर ने उठाया तो मैं बोला अरे वो भाई बैठा था मैं गले गले लग गया, बोला भाई 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 घर में फ़ोन लगाया सर को फ़ोन लगाया, फिर रूम में चला गया मतलब फ़ोन रूम में रख दिया, फिर सब टीम मेट आ गए सब ने बधाई देना शुरू कर दिया कि हाँ अच्छा है भाई बहुत। मतलब वो जो 2 ओवर में 34 रन चाहिए था तो उस टाइम पे यही चल रहा था कि पीके भाई डाल देंगे 7-8 रन का, मेरा बहुत 25 रन के आसपास मिल जाएगा तो मे भी मैं डिफेंड कर लूँगा, जब 15 रन आए तो मैं बोला कि अब तो पूरा दम लगाना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है, तो संजू भी आए बोले कि कुछ ज़्यादा मत सोच तूने जो अभी तक किया है उसी को बैक कर, तो जो अच्छा लग रहा है वो कर और ज़्यादा टेंशन मत ले रिजल्ट की, मैं सोचना कि हाँ रिजल्ट है जस्ट चिल होके बॉल डाल, मेरे को पता था कि स्टॉनिस ही रहेगा स्ट्राइक पर, ये बड़ा शॉट मारने को देखेगा आवेश तो आएगा नहीं, तो ये था कि इसको बड़ा शॉट नहीं देना, ये सिंगल तो लेगा नहीं डबल ले सकता है बट इसको सिंगल भी नहीं देना है, बस वही प्लान था कि इसको बड़ा शॉट नहीं देना है ये सिंगल तो नहीं लेगा, नहीं बहुत सही चीज़ उन मतलब बहुत सही चीज़ बताते हैं, सिंपल सी चीज़ें बताते हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ है उसी को बैक करते हैं वो,
छोटी छोटी चीज़ें जैसे यॉर्कर स्लो और इस पर मेरे को काम कर रहा हूँ अभी उनके साथ, और करना भी है कि कैसे न्यू बॉल से बॉल करनी है, कैसे मिडिल ओवर में बॉल करनी है, कैसे डेथ में करनी है, वो पूरी चीज़ें मेरे को बताते हैं हर टाइम। और अगर ये हो गया तुम बॉल ने तुमने ये बॉल डाला और ये डल गई तो फिर अगली बॉल क्या डालना है, ये भी सब बताते हैं। मतलब पूरा मैच सिचुएशन को लेके पूरी बातें होती हैं। बहुत सारे फ्रेंचाइज के लिए ट्रायल पे गया था तो सेलेक्ट नहीं हुआ, बट राजस्थान ने फेथ दिखाया, मेरे को ट्रस्ट दिखाया, तो वही था, है वो, इस पर ट्रस्ट है तो मेरे को भी ट्रस्ट है उस पर।